मौनी अमावस्या के दिन मान्यता है कि मौन रखकर दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। संगम नगरी में माघ मेले के प्रमुख स्नान पर मौनी अमावस्या पर शनिवार की सायं 6 बजे तक 2,09,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। माघ मेले में शुक्रवार से ही आस्था, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी बह रही है। मेले के मुख्य स्नान पर मौनी अमावस्या के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सुबह लगभग 10:30 बजे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई गई। त्रिवेणी में डुबकी लगाकर दान पुण्य और पूजा में लीन श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा ने पूरे संगम क्षेत्र को अकल्पनीय अनुभूति से सराबोर कर दिया। श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाने के बाद विधि विधान से मां गंगा का पूजन अर्चन कर दीपदान किया। तत्पश्चात माघ मेले में चल रहे विभिन्न शिविरों में प्रसाद ग्रहण कर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। इस दौरान माघ मेला सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर संगठनों ने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारा भी चलाया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी कर रही है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। वाहनों को बकायदा वाहन स्टैंडों पर खड़ा करने की व्यवस्था है और डायवर्जन की समुचित व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु या स्थानार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए। घाटों के अलावा पूरे माघ मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पैदल के अलावा घुड़सवार पुलिस के जवान मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा जल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। इस माघ मेला क्षेत्र की व्यवस्था को संभालने के लिए शहर से लेकर संगम तक तैनात 194 मजिस्ट्रेट और 98 सेक्टर ऑफिसर जगह जगह श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचाकर उन्हें वापस उनके गंतव्य तक भेजने में तत्पर दिखाई दिए। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसके दृष्टिगत सभी वरिष्ठ अधिकारी मेला क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए सभी सेक्टरों एवं घाटों पर आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन करते रहे। भ्रमणशील अफसरों में पुलिस अपर महानिदेशक भानु भास्कर, पुलिस आयुक्त रमित शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक चंद्र प्रकाश, पुलिस अपर आयुक्त आकाश कुलहरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेला राजीव नारायण मिश्रा तथा पुलिस अधीक्षक मेला आदित्य शुक्ला शामिल रहे। पूरे स्नान की अवधि में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।